आज से ठीक 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक तुगलकी फरमान जारी कर इस देश पर सबसे बड़ा प्रहार किया था और वो था नोटबंदी। सच तो यह है कि मोदी जी को भी नहीं पता था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। ना तो टेरर फंडिंग कम हुई, ना काला धन इससे कोई वापस आ गया और ना कैश कम हो गया। आज सिस्टम में उससे ज्यादा कैश है। सच तो यह है कि आरबीआई ने के पास 99% से ज्यादा बैंड करेंसी वापस आ गई। तो इसका प्रहार सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर हुआ, क्योंकि अमीर ने तो येन तेन प्रकरण करके पैसा वापस अपना सफेद कर लिया, अपना बैंक में पहुंचा दिया। आरबीआई को ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ा नोट प्रिंट करने के लिए। इसका सबसे बड़ा प्रभाव जो हुआ वो हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक वृद्धि की दर पर हुआ। 8% से ऊपर थी हमारी आर्थिक वृद्धि की दर जब नोटबंदी हुई थी, वो घटकर 4% पर आ गिरी उसके बाद। और सच तो ये है कि अब मोदी जी के तुगलकी फरमानों और कुप्रबंधन के चलते हमारी अर्थव्यवस्था इस साल करीब करीब 10% -10% से संकुचित होगी। तो इसका सरकार के पास क्या जवाब है? क्यों कल कारखाने बंद हो गए? क्यों छोटे लघु मध्यम उद्योगों का आज कोई रिवाइवल नहीं है? और जब से ये नोटबंदी हुई उसके बाद से उनका रिवाइवल प्लान नहीं है। करोड़ों लोगों का रोजगार चला गया और ये वो विनाशकारी नीति थी आपकी जिसको देश भूलेगा नहीं। और इसीलिए आज स्पीक अप फॉर इंडिया में हम डीमोनेटाइजेशन की, नोटबंदी की, आपके तुगलकी फरमान की फिर से बात कर रहे हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के रोजगार को चौपट कर दिया था। धन्यवाद।